नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनुवाड़ी 1920 में। और रोज की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि कोई व्यक्ति नीलकंठ पक्षी को देखे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी जो है ये हमको और सब आप सबको दशहरे पर अवश्य देखना चाहिए, और इसके दर्शन जो है दशहरे के दिन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये तो हर एक पक्षी की अपनी एक विशेषता होती है, लेकिन नीलकंठ पक्षी का सपने में दिखाई देना भारतीय स्वप्न विज्ञान के अनुसार देखने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मक स्वप्न होता है। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान ये कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने सपने में नीलकंठ पक्षी को देखा है तो यह सपना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले समय में आपका जल्द ही बहुत बड़ा कोई जो है प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, यानी कि बहुत बड़ा आपको कहीं से कोई मुनाफा हो सकता है, जल्द ही आपका भाग्योदय होगा। और यदि आपका अभी तक कोई कार्य जो अभी तक नहीं बन पा रहा था, इस सपने को देखने के पश्चात वो कार्य जल्द ही आपका बनेगा और आपके सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे, यानी कि सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और मित्रों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अविवाहित है और उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई है और उसको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और उसने इस स्वप्न को देख लिया है, तो जल्द ही निकट भविष्य में उसका विवाह संपन्न होगा, उसको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह सपना आपको मिलने वाले भविष्य में मिलने वाले बहुत बड़े लाभ को तो दर्शाता है, साथ ही आपके विवाह की एक प्रकार से पूर्व सूचना लेकर भी आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुंच सके। और मित्रों, यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है, आप किसी ने सपने का मतलब जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी शीघ्र ही देंगे। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करें।